Hi guys, my name is Bhavesh and you are watching my YouTube channel Photo Editing King. Guys, recently Vijay Mehra ने अपने Instagram account पर एक pic upload की, उसी pic का आज मैं आपको editing tutorial देकर आ चुका हूँ guys. और हाँ, इसमें मैंने जितने भी background और PNGs का use किए उन सब के link आपको description में मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाकर easily download कर सकते हो. तो guys, video शुरू करने से पहले please video को like और channel को subscribe कर दीजिए. चलिए आज की video को शुरू करते हैं. गाइज, स्टेप की फ़ोटो एडिटिंग करने के लिए आपको कोई भी स्टेप का पोज देकर एक फ़ोटो क्लिक कर लेनी है. देन आपको इसे ओपन करना है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर. ओपन करने के बाद हमें इसमें कुछ पीएनजीज को ऐड करना है, तो उसके लिए आपको यहां से जाना है ऐड फोटो में. देन आपको पीएनजी को सिलेक्ट कर लेना है. देन इस पीएनजी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो. इसे आपको आपके फेस के ऊपर एडजस्ट कर लेना है. एडजस्ट करने के लिए जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पर एक फ्लावर है पीएनजी में, उस फ्लावर को आपको आइस के ऊपर लेकर आना है और एडजस्ट करना है अपने फेस के ऊपर. इसमें एक रियलिस्टिक टच देने के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा इसका जो पार्ट है वो इरेज कर लेंगे जो हमारे हेयर्स के ऊपर आ रहा है. तो उसके लिए जाएंगे इरेजर में. देन हार्डनेस को आपको पूरा कम कर देना है, जो हल्का हल्का सा इरेज कर देना है अपने हेयर्स के ऊपर. जो कुछ भी पार्ट आ रहा है उसे हल्का हल्का इरेज करेंगे, क्योंकि इससे एक रियल टच आएगा फोटो में. ऐसा लगेगा जो पीएनजी अपने हेयर्स के नीचे दबा हुआ है. ओके, और थोड़ा सा शेडो क्रिएट करने के लिए हम सिंपली जाएंगे शेडो में. शेडो में जाने के बाद आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे. यहाँ पर आपको जाना है पोजिशन में. देन यहाँ पर भी आपको दो ऑप्शन मिलेंगे. जो फर्स्ट ऑप्शन है उसको आपको रखना है 1 पर और सेकेंड ऑप्शन को रखना है 0 पर. ये सेम सेटिंग आपको करनी है. ये हो जाने के बाद आपको डन कर देना है. डन करने के बाद आपको फिर से ऐड फोटो में जाना है और एक पीएनजी को ऐड करना है. सेम उसी टाइप का एक और पीएनजी है, तो इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हो. इसे आपको आपके फेस के नीचे का जो पार्ट है वहाँ पर इसे एडजस्ट कर लेना है अच्छे से. ओके, जो कुछ भी पार्ट यहाँ पर एक्स्ट्रा आएगा उसे आपको सिंपली इरेजर पर जाकर इरेज कर लेना है. इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, इस पीएनजी में आपको थोड़े से लीव्स भी दिख रहे होंगे, तो उस लीव्स को आपको इरेज नहीं करना, बस जो एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है उसे इरेज करना है. ओके, कुछ इस टाइप से जैसे मैंने किया. ये हो जाने के बाद आपको इसमें भी शेडो को ऐड करना है, तो उसके लिए आपको जाना है शेडो में. देन पोजिशन पर जाने के बाद आपको जो फर्स्ट ऑप्शन दिखेगा उसे आपको रखना है 1 पर और सेकेंड ऑप्शन को रखना है 0 पर. ओके, सिंपली 0. ओके, ये हो जाने के बाद आपको इसे डन कर देना. डन करने के बाद हमें इसमें एक और पीएनजी का ऐड करना है, सिगरेट का पीएनजी है, तो उसे ऐड करने के लिए आपको जाना है ऐड फोटो में. देन उस पीएनजी को आपको सिलेक्ट कर लेना है. सिलेक्ट करने के बाद आपको इसे अपने लिप्स की तरफ लगा देना है. ओके, साइज आपको थोड़ा सा छोटा रखना है. इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो. सो इसे लगाने के बाद हमें इसमें थोड़ा सा स्मोक के पीएनजी को ऐड करना है, तो उसके लिए आपको जाना है ऐड फोटो में. देन एक स्मोक के पीएनजी को सिलेक्ट कर लें. इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हो. इसका आपको ब्लेंडिंग मोड कर देना है स्क्रीन. देन आपके लिप्स के पास इसे अच्छे से एडजस्ट कर लेना है, जैसे मैंने किया है. सेम टू सेम आपको वैसे ही एडजस्ट कर लेना है. बस हाँ, इसकी ऑपोसिटी आपको थोड़ी सी कम रखनी है, इससे थोड़ा ये रियल लगेगा. ओके, फिर इसकी एक और डुप्लीकेट लेयर बना लेनी है और उसे भी आपको सेम पोजीशन में लगा देना है. ऊपर ऊपर या नीचे, आप जहाँ पर आपको अच्छा लगे वहाँ पर आप इसे लगा सकते हो. ये हो जाने के बाद और एक पीएनजी को आपको इसमें ऐड करना है, जो सिगरेट है उसमें से भी आपको स्मोक निकलेगा, तो उसे भी आपको इसमें एडजस्ट कर लेना है. तो उसके लिए आपको जाना है ऐड फोटो में. देने एक पीएनजी को सिलेक्ट कर लेना है. इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हो. तो इसका भी आपको ब्लेंडिंग मोड कर देना है डार्क. ओके, ये बात आप याद रखना है, इसका ब्लेंडिंग मोड आपको डार्क कर देना है. देन इसे आपको जो सिगरेट का ऊपर का टॉप वाला पार्ट है उसे उसके ऊपर आपको इसे एडजस्ट कर लेना है, और उसके उसकी भी आपको ऑपोसिटी थोड़ी सी कम कर देनी है. देन ये हो जाने के बाद आपको इसे सेव कर लेना है. सिंपली ड्रॉइंग टूल में जाना है, देन थ्री डॉट पर क्लिक कर आपको इसे सेव कर लेना है. सेव करने के बाद ओपन करना है लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर. इसकी हमें सिंपली इसमें लाइट्स को एडजस्ट करना है, तो उसके लिए आपको जाना है लाइट्स में. आपको सबसे पहले शैडोस को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है और ब्लैक्स को थोड़ा सा कम कर देना, अराउंड 20-30%. और हाँ, थोड़ा सा जो ब्राइटनेस है उसे भी आपको थोड़ा सा माइनस के साइड लेकर जाना है. देन ये हो जाने के बाद आपको जाना है कलर्स में. कलर्स में जाने के बाद सिंपली आपको जाना है कलर मिक्सर वाले टैब पर. अपना जो ऑरेंज कलर है स्किन का, उसके आपको सेचुरेशन थोड़ी सी माइनस की साइड रखनी है. ओके, और जो ग्रीन कलर है उसका आपको सैचुरेशन और लुमिनस थोड़ी सी, और साथ ही में यू को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है. ये हो जाने के बाद आपको टेम्परेचर भी थोड़ा सा माइनस की साइड रखना है. ओके, अराउंड -5.
और टेंट को भी आपको आपके अकॉर्डिंग मुझे माइनस की साइड थोड़ा ठीक लग रहा है। ओके, ये हो जाने के बाद थोड़ा सा आपको टेम्परेचर, हाँ आई थिंक इतना काफ़ी है। उसके बाद आपको सुना है इफेक्ट्स में, इफेक्ट्स में जाने के बाद थोड़ा सा टेक्सचर क्लियरिटी डेजर्ट फिर आपको इंक्रीज कर देना है, वीकनेस थोड़ा सा कम कर देना है। ओके ओके, इतना काफ़ी है। ओके देन आपको जाना है शार्पनेस में, थोड़ी सी शार्पनेस को इंक्रीज कर देना है। सो गाइस हमारी फोटो जो रेडी हो चुकी है, आप बिफोर आफ्टर देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। सो गाइस इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।